हो रहा था ब्यूटी का टाइम। अब शुरू हो गया कर दिया। सब कुछ करती है, इसलिए तो शेयर नहीं है। हम उस रखो इस पे ला के रखो कि दिन दिला पार्टिसिपेंट्स स्क्रीन शेयरिंग कर दिया ना। नहीं मेरे मतलब मेरे स्क्रीन वीडियो होती है ना स्लाइड्स। आई एम आस्किंग अबाउट माय पिक्चर। Zero one. New participant met. Assalamu alaikum. Hello. Can you hear me? Who is there? Taha and Saad. Okay. Assalamu alaikum students. Kindly share your screen, Taha. Yeah, ma'am. Ji, let's revise. Have a preview of previous lecture. Yes, ma'am. Yes, yes, Ayan. Starting from you, can you tell me something about carbohydrates? Yes, ma'am. Carbohydrates are the basic source of energy for all organisms, and about half of 2/3 maybe the total calories animal consumes daily from carbohydrates. Okay, what are the sources of carbohydrates? You can obtain it from bread, pasta, beans, potatoes, like cereals, rice, वगैरह वगैरह. अरे बाबा ना. आयान बेटा, you have to revise all these. आप भी तो मुझे लग रहा आप read कर रहे हो. आपको ये verbally learn करने हैं questions, okay? And पहले four मुझे ज़बानी याद है. Okay, learn किए हुए आपने points. Yes, ma'am. Actually, ऐसा है students, Friday is our last class of this week. On Friday, you have a quiz. All the topics which you have read, ठीक है? जितना हम आज complete कर लेंगे, उसका आपका एक quiz होना है उस दिन, जो कि verbal ही होगा. You will share your screens, और मैं देखूंगी कि कौन read कर रहा है और कौन camera की तरफ देख के verbally मुझे सुना रहा है. उसकी भी grading होगी. जी सादिन ताहा. यस मैम. बेटा आपकी स्क्रीन शेयर नहीं होती, जस्ट एक ब्लैक कलर का व्यू आ रहा है मुझे. क्या है? यस ओके ओके. एंड वेयर इज ताहा? मैम वो बुक लेने गया था. उसे भी कहें मुझे दिखाएं अपनी अपना दिखाएं फेस शो करें. और ताहा से तो मैंने कहना है कि उन्होंने अपना वर्क भी सबमिट नहीं करवाया कल. मेरी हिस्सी कॉल कर रहे हैं उसे. हम बुलाते हैं. हम्म.
ओके आन आपको बेटा वैसे तो आई नो कि ये थोड़ा सा टफ एक डिफरेंट सा प्रोसीजर है, तो क्लियर हो रहे हैं पॉइंट्स? कोई ऐसा प्रॉब्लम जो कि आपको फेस करना पड़ रहा ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस? नहीं मैम. अच्छा, बीइंग अ टीचर आई एम आस्किंग यू ना, इफ यू हैव सम इश्यू यू कैन डिस्कस विद मी. नो मैम. बल्कि आप तो मुझे लग रहा है बहुत एक्टिव हुए हैं आजकल, बड़ी स्पीडीली काम दिखा रहे होते हैं तेजी तेजी से. राइटिंग मुतासिर होती है जरा. राइटिंग क्या होती है मतलब आप नहीं तो स्पीड इफेक्ट होती है. अच्छा नहीं, प्रेजेंटेशंस तो मतलब ठीक है आपकी, बस ये कि आपके साथ साथ सारा लर्न होता रहेगा तो इट्स ओके. इंशाल्लाह फिर जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी वी विल डू आवर रूटीन वर्क. जी साथ. ओके साथ, व्हाट आर लिपिड्स? कैन यू एक्सप्लेन सम पॉइंट्स रिगार्डिंग लिपिड्स? Taha, I can't listen you. Mute kiya usne. This is mute. Mute kiya hoga na. Taha beta, ab ye saath beta aapka mic I. Assalamu alaikum miss. Wa alaikum assalam Aisha, how are you? Nee ma'am, I'm fine. जी साथ, योर माइक. जी, लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स बॉन्डेड टू ग्लिसरॉल. द फैटी एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एट द रूम टेंपरेचर आर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एट द रूम टेंपरेचर आर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. ओके 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 साथ, व्हाट इज द डिफरेंस? क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंस है सैचुरेटेड में और अनसैचुरेटेड में? मैम, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर बॉन्डेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर बॉन्ड ऑफ टू कार्बन इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन. नहीं बेटा, ये आप जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, स्टूडेंट्स सुन लें केयरफुली, उसमें जितने भी बॉन्ड्स होंगे कार्बन टू कार्बन वो सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन डबल होंगे. जबकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनमें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कहीं पर डबल भी हो सकते हैं, इवन ट्रिपल भी हो सकते हैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है. ये आई थिंक मुझे, मैं ड्रॉ करके ना तो कल एक स्लाइड आपको यहाँ पे शो कर भी दूंगी ताकि आपको उसका डिफरेंस क्लियर हो जाए. स्ट्रक्चरल फार्मूला मैं ड्रॉ करके आपको शो कर दूंगी. अगर हाइड्रोजन के एटम्स कम होंगे ना कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है पता है किसी को? कार्बन की नो फोर होती है इसकी वैलेंसी. इट कैन बॉन्ड विद अदर फोर एटम्स, अपने इर्द गिर्द चार एटम्स के साथ ये बॉन्ड बनाता है, ठीक है. तो अगर कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम्स कम होंगे तो वो फिर क्या करेगा, अपने ही दूसरे कार्बन के एटम के साथ ज्यादा बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना. ये मैं आपको कल शो कर दूंगी स्लाइड ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, व्हाट इज द डिफरेंस इन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है. ओके आयशा, कैन आई आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम यू? यस मैम. ओके, व्हाट आर प्रोटीन्स? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी? प्रोटीन्स मैम, प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड्स. गुड. एंड their essential components are membranes, organelles and cytoplasm. Okay, acha proteins aap who is talking? Ma'am, Taha. Taha ji, Taha isko continue kijiye proteins ko next. Yes ma'am, maine usse pehle aap se bas ek chhota sa sawal puchna hai. Ji ji puchiye. टॉपिक है ना, इसके अंदर जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, एक मिनट. जी जी जो जी जी फर्टिलाइजर्स हैं मैम, वो एक दफा फिर से समझा देना, उसकी हल्की सी नहीं समझ आ रही थी. ओके, क्या उसमें क्या पॉइंट नहीं क्लियर हुआ आपको इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में?
मैम ये जो आपने वो बताया था मैम ये जो रॉक्स वाला मैम ये रॉक्स कैसे वो फर्टिलाइज करते हैं सॉइल को और मैम ये जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हैं ये वाले पॉइंट्स बेटा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स तो मैंने बताया था ना प्लांट्स एंड एनिमल्स इनका सोर्स होते हैं डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ठीक है इनकी बॉडीज से बनेंगी लेकिन जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं वो रॉक्स जितनी भी ये हमारी माइंस हैं चट्टाने हैं उनके अंदर से जो निकल रही हैं एलिमेंट्स जैसे कि नाइट्रोजन हो गया पोटैश ये फॉस्फेट हो गया रॉक सॉल्ट है आपका जिप्सम है मार्बल जिसे आप जो मार्बल में यूज होता है तो ये तमाम एलिमेंट्स जिनमें प्लांट्स या एनिमल्स का कोई रोल नहीं है वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं ये तो बहुत सिंपल सी बात है इट्स नॉट और ऑर्गेनिक जो है वो जब भी ऑर्गेनिक का वर्ड आता है आप सोच लिया करो इट इज रिलेटेड विद प्लांट्स एंड एनिमल्स ठीक है तो जितने भी अब प्लांट्स एंड एनिमल्स यस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जी जी तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन इज आल्सो एन नाइट्रोजन वैसे हमारी बॉडी में भी होता है प्रोटीन्स में लेकिन नाइट्रोजन आपको पता है एयर में भी बहुत ज्यादा है तो नाइट्रोजन जो है वो भी इसके अंदर आ जाती है लेकिन वही बात आ गई कि जो यूरिया है यूरिया भी एक टाइप है ना फर्टिलाइजर की तो इसमें एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं होता जो यूरिया है वो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी कंसिडर होती है बिकॉज यूरिया इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी यूरिक एसिड की फॉर्म में आपको पता है हम जो यूरिन पास करते हैं तो उसमें भी यूरिक एसिड होता है ये सुना भी होगा अक्सर लोगों को यूरिक एसिड प्रॉब्लम होती है तो उसमें जो है ना ये नाइट्रोजन कंपोनेंट्स वो बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं बॉडी में तो यूरिया इज इन बिटवीन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक जी ओके मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक अब ज्यादा टाइम नहीं मैं लूंगी इसको लेट्स स्टार्ट विद अटेंडेंस फर्स्ट ताहा आर यू देयर यस मैम टुडे इज 7th जुलाई आमना आमना नेम कहां पे है स्टूडेंट्स आयशा आपको कुछ आइडिया है नो मैम ताहुल आमना और दो आज ये एब्सेंट हो रहे हैं पता नहीं ओके आयशा जी मैम आई एम प्रेजेंट Present. Haneen Amir? Yes, ma'am, I'm present. Haneen and Taha, beta, aapka jo homework hai, wo aapne show nahin kiya, submit nahin karwaya. Both of you. Ma'am, main send kar deti hoon aapko. Beta, agar aap is tarah se late karenge, to aapko pata hai ki jo grading ho rahi hai, usme phir aapka C aayega ya D aayega. Ab aap dekh lo aapne kya grade lena hai. Okay, Saad bin Amir? Present. And Ayan Ahmed? Present. Okay, let's start. Dobara se main message through kar dun. On this Friday, I will take a quiz regarding all these topics. Nutrition se related, jitne aaj tak hum clear kar lenge, inshallah. I think vitamins, we will complete vitamins. So, uska ek quiz hoga. And you, all of you, you have to show your screens. मतलब कि मुझे आप नजर आते हो मैं देखूंगी कि आप मुझे वर्बल आंसर कर रहे हो कि नहीं इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस आई विल आस्क शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आई विल मार्क यू और आई विल शो योर रिजल्ट इन द ग्रुप क्लियर हो गया सबको यस मैम यस मैम जी हनीन ताहा बेटा आपको भी समझ आ गया क्या और यही इंशाल्लाह यही प्रोसीजर क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको रिटर्न तो चेक नहीं कर सकती आपका वंस अ वीक या जैसे ही कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्लियर होंगे आई विल टेक अ क्विज एक वर्बल क्विज आपका लूंगी और मैं देख लूंगी कि आप बुक के थ्रू रीड कर रहे हैं क्योंकि अगर आप अपनी स्क्रीन शेयर्स करोगे ऑब्वियसली मैं आपको ऑब्जर्व कर लूंगी कि आप मुझे देख कर आंसर कर रहे हो या पढ़ के आंसर कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपके मार्क्स लग जाएंगे ठीक है जी ओके मूव ऑन टू द टुडेज टॉपिक रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन ये एक इसमें से इन्होंने एक्चुअली पीछे जो कल हमने मेजर मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स के बारे में रीड किया था ना तो कैल्शियम इज अ मेजर मिनरल और आयरन इज अ ट्रेस मिनरल तो इन दोनों को एक एक उन्होंने ले लिया और उसके बारे में आप बता रहे हैं कि व्हाट आर देयर रोल्स इन आवर बॉडी अब कैल्शियम जो है कैल्शियम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं आप सबके कैल्शियम इज प्रेजेंट इन मिल्क और ये किस हमारी बॉडी में क्या इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है जो बच्चे दूध नहीं पीते तो उनकी क्या चीज वीक हो जाती है बोन्स और टीथ उनके वीक हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि जो कैल्शियम है इट्स प्लेस अ वाइटल रोल इन द ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ ठीक है
अब हनीन यू रीड दिस पैराग्राफ ताकि है तो बहुत सिंपल सा बट इफ इट हैज सम डिफिकल्टी तो मैं उसको जरा चेक कर लूं अगर वर्ड मीनिंग्स आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको मैं देख मैम कौन सा पैराग्राफ बेटा मैं शो करती हूँ स्लाइड पे वैसे आप स्टार्ट करो रीड करना कैल्शियम एंड आयरन Okay. Calcium is essential for the development and maintenance of bones and teeth. It is also needed for maintaining cell membranes and connective tissue and for the activation of several enzymes. Calcium also acts in blood clotting. Humans get calcium from milk, cheese, egg yolk, beans, nut, cabbage, etc. Deficiency of calcium causes spontaneous discharge of nerve. Spontaneous discharge of nerve impulses. Impulses which may result in. Which may result in tiny. Also, some also become soft. Blood clots slowly and bones heal slowly. Okay. Stop, Hanin. Stop, beta. Okay, calcium के बारे में उन्होंने यही बता दिया आपको कि ये हमारी membranes की maintenance में और connective tissues की maintenance में helpful होता है. Connective tissues अब कहाँ-कहाँ होते हैं हमारी body में? Students थोड़ा सा recall करें chapter number 4. Connective tissues are present in our membranes और ये tissues को formation देते हैं यानी कि tissues की shapes को जैसे कि अगर कोई organ है तो उसके इर्द गिर्द एक membrane bound होगा ना वो organ जैसे stomach है या kidneys हैं तो जो membranes होंगी they are made up of connective tissues इसके अलावा they are necessary for the activation of several enzymes enzymes को काम करने के लिए helpful होंगे यहाँ पर और immunogate calcium from ये इसके sources आ गए यहाँ पर आप ना headings दे दे के भी लिख सकते हो कि what are the sources of calcium और they are calcium causes spontaneous discharge और spontaneous का मतलब होता है खुद ब खुद automatic discharge होता है calcium का for the nerve impulse यानी कि हमारी body में जितने भी messages signals जा रहे हैं उनके लिए ये जो deficiency अगर हो जाए calcium की तो उससे क्या होगा कि हमारी nerve impulse जो है वो disturb हो जाएगी which may result in tetany of bones tetany means contraction of muscles आप इसका meaning लिख सकते हो कि मसल्स आपको पता है अक्सर क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं मसल्स खींच रहे होते हैं ठीक है तो टेटनी मींस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इसके अलावा ये स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज ऑफ नर्व इंपल्सिस का समझा दें जी नर्व इंपल्सिस के बारे में आपसे कह रही थी कि अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज यानी कि ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में जो नर्व इंपल्सिस हैं वैसे तो नर्व इंपल्स हमारे कंट्रोल में होते हैं ना कि हम जो भी स्टिमुलाई रिसीव करते हैं बाहर से जो भी हम चीज देखते हैं हम उसके मुताबिक रिएक्ट कर रहे होते हैं हमारा ब्रेन उसके मुताबिक रिएक्ट करता है ठीक है लेकिन अगर कैल्शियम की डिफिशिएंसी हो जाए तो हमारी बॉडी में हमारी जो नर्व इम्पल्सिस हैं वो ऑटोमेटिकली उस सिग्नल्स जो है वो थ्रो हो रहे होते हैं और हमारे बॉडी में क्रैम्प्स पड़ते हैं यानी कि मसल्स जो हैं वो क्या होंगे खींचेंगे हम नहीं भी चाह रहे होंगे फिर भी हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं वो उनमें क्रैम्प्स पड़ेंगे इसी को इस डिजीज को बोलते हैं टेटनी अक्सर आपने देखा है लोग कंप्लेंट करते हैं कि मेरे जो मसल्स हैं वो खींच गए हैं पट्टे मेरे खींच गए हैं तो उसका मतलब है उनकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है क्योंकि जो नर्व सिग्नल्स है ना हमारी बॉडी के ये हम चैप्टर आगे 10th में आई थिंक आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन का चैप्टर जिसमें जो हमारा ब्रेन है वो आपको पता है नर्व इम्पल्सिस जो है वो सेंड करता है नर्व इम्पल्स मीन्स सिग्नल्स सिग्नल सेंड करता है हमारी मसल्स को उसके मुताबिक हम फिर रिएक्ट कर रहे होते हैं लेकिन अगर ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाए जरूरत से ज्यादा होना शुरू हो जाए नर्व इम्पल्स का थ्रो होना तो उससे क्या होगा हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस ज्यादा होंगी और हमारे पट्टे हमें खिंचाव महसूस होगा पट्टों में ठीक है और उसके लिए फिर क्या करते हैं मेडिसिन लेते हैं रिलैक्सेंट लेते हैं ताकि हमारे जो मसल्स हैं वो
स्मूथ रहे और उसका बैक जो एक ड्रॉबैक है वो क्या है कि नींद बहुत आती है, फिर आपकी बॉडी जो है वो उसमें चली जाती है, स्लो मोड में चली जाती है, आप एक्टिव नहीं रहते हो. क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको बेटा? Yes, उसके अलावा ब्लड क्लॉट के लिए बहुत जरूरी है, वुंड्स की हीलिंग के लिए, जिन बॉडीज में कैल्शियम कम होगा उनके अगर चोट लग जाए तो बहुत देर लगती है उन्हें हील अप होने. ठीक हो गया. नेक्स्ट आयशा, यू रीड आयरन, रोल ऑफ आयरन. आयरन प्लेज अ मेजर रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज. इट इज अ कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स एंड सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन ऑल्सो रिक्वायर्स आयरन. इट एक्ट्स एज को फैक्टर फॉर मेनी एंजाइम्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. आयरन ऑल्सो सपोर्ट्स इम्यून फंक्शन. ह्यूमंस गेट आयरन फ्रॉम रेड मीट, एग योक, होल व्हीट, फिश, spinach, mustard, etc. Its deficiency is the most common nutrient deficiency worldwide. Iron deficiency causes anemia. जी, अब इसके मैं आपको explain कर देती हूँ. इसके बाद आपको homework आज का students पता है क्या मिलेगा? इसी paragraph को आपने सिर्फ just ये paragraph आपको written form में करना है, लेकिन किस तरह से करना है? Proper आपने इनकी वो points बनाने, headings देनी होंगी और इनके जितने भी रोल्स हैं ना उनको पॉइंट्स में शिफ्ट कर दीजिएगा. ठीक है? और अगर सोर्सेज आ रहा है तो वहां पे हेडिंग दे दीजिएगा सोर्सेज की, जैसे कैल्शियम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं हम, तो यहाँ पर हेडिंग क्या बन सकती है? सोर्सेज. जहाँ पे डेफिशिएंसी शो हो रही है वहां पे हेडिंग क्या आ जाएगी? डेफिशिएंसी की. डेफिशिएंसी. हाँ जी. इफेक्ट्स ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी. हाँ जी बिल्कुल. यानी कि मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ एक पैराग्राफ को आप एक बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो विद पॉइंट्स एंड हेडिंग्स, ताकि बाकी ये जितना भी चैप्टर है ना इसको आपको अटेम्प्ट करने का मेथड आ जाए. सारा तो नहीं मैं दे सकती ना डेली लिखने के लिए, एक ये वाला अगर आप कर लोगे ना तो उससे आपको बाकी जो है ना टॉपिक्स कोई भी आ जाए, प्रोटीन आ जाए, लिपिड आ जाए, तो आपको उसको हाउ टू एक्सप्लेन इन प्रॉपर वे वो करना आ जाएगा. और पॉइंट्स में किया हो तो वैसे ही जरा लर्न करने में ईजी हो जाएगा. ठीक है? अभी आयरन के जितने भी पॉइंट्स हैं 3-4 इसके जो फंक्शंस हैं वो आप पॉइंट्स में नोट डाउन करोगे. आयरन प्लेस आयरन का नहीं नहीं कैल्शियम आयरन बोथ. ये फुल पैराग्राफ जो है ना इसको आपने हेडिंग्स में और पॉइंट्स में करना है शो. जैसे फंक्शंस ऑब्वियसली पॉइंट्स में शो करोगे, इनकी डेफिशिएंसी को आप हेडिंग के साथ शो करोगे, सोर्सेज को हेडिंग के साथ शो करोगे. ठीक है? अच्छा जी, आयरन का जो मेजर रोल है वो क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. आपको पता है हमारे ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ब्लड के अंदर 3-4 तरह के सेल्स होते हैं ना, प्लेटलेट्स भी होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होता है. ठीक है? तो रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है, एक स्पेशल एंजाइम, और ये इसके अंदर हीम है. हीम मींस आयरन. तो आयरन क्या काम कर रहा है? हमारे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, वही ऑक्सीजन पूरी बॉडी में फिर मूव करती है. इट मींस ऑक्सीजन प्लेज अ वाइटल रोल फॉर ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन मिलेगी हमारी बॉडी को तो हमारी बॉडी में एनर्जी रहेगी. और मसल्स में जो सेम यही जो आयरन है वो क्या, वो मायोग्लोबिन की फॉर्म में मौजूद है. मायोग्लोबिन मींस इट्स अ प्रोटीन. ये भी प्रोटीन है और हीमोग्लोबिन इज आल्सो अ प्रोटीन. इस प्रोटीन में आयरन मौजूद है जो कि मसल्स को, हमारे पट्ठों को जो है, और हमारे रेड ब्लड सेल्स में हमारे ब्लड को ऑक्सीजन देगा. अगर हमारी बॉडी में आयरन नहीं होगा ब्लड में तो ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, और इसी वजह से सेलुलर एनर्जी जो है वो आयरन जो है हमारी बॉडी को प्रोवाइड कर रहा है. एनर्जी तभी मिलती है जब ऑक्सीजन मिल रही हो बॉडी को. आपने नोटिस किया होगा कभी आप लो फील करते हो ना तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप फ्रेश एयर में सांस लें. तो फ्रेश एयर में सांस लेने से क्या होता है कि ऑक्सीजन ज्यादा जाती है बॉडी में और जो आयरन है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है. और आयरन कहाँ मौजूद है? हीमोग्लोबिन में और मायोग्लोबिन. इसके अलावा इसका सेकेंड फंक्शन क्या है? इट एक्ट्स एज ए को फैक्टर फॉर मेनी एंजाइम्स. ये एंजाइम्स के चैप्टर में हमने पढ़ा कि को फैक्टर आर द हेल्पर्स ऑफ एंजाइम्स. इसके अलावा आयरन और क्या काम करता है? इट सपोर्ट्स इम्यून. हमारी बॉडी में जितनी भी ताकत है, इम्यूनिटी है, वो उसको सपोर्ट करता है. हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? सोर्सेज इसके क्या हैं? स्पिनच है, मस्टर्ड किसे बोलते हैं? एनीबॉडी नोस? दाल. जी मैम.
मस्टर्ड क्या होता है? सरसों को बोलते हैं मैम। जी बिल्कुल, सरसों का साग आप खाते हैं सर्दियों में, इसके अलावा आप इसका ऑयल यूज करते हैं, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। इसके अलावा इसकी पेस्ट यूज होती है डिफरेंट फूड आइटम्स में, तो इसमें भी होता है आयरन। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? वर्ल्ड वाइड डेफिशिएंसी इसकी जो है वो मतलब काफी कॉमन है इसकी डेफिशिएंसी, और इसकी वजह से एनेमिया हो जाता है। एनेमिया मींस, एनेमिया क्या है? ब्लड में आयरन की डेफिशिएंसी। अक्सर बच्चों का कलर बहुत पेल होता है, तो पीला कलर क्यों होता है स्किन का? क्योंकि उनके ब्लड में ऑक्सीजन कम होती है ड्यू टू लैक ऑफ आयरन। ठीक हो गया। ओके ताहर, यू रीड नेक्स्ट। Vitamins. Vitamins are the chemical compounds that are required in low amounts but are essential for normal growth and metabolism. Vitamins may be divided into two groups: the fat-soluble vitamins, vitamin A, D, E, and K, and the water-soluble vitamins, vitamin B and vitamin C. Yes. Ab vitamins aage, ye bhi inorganic nutrition hai vitamins, kyunki inki bondage mein carbon and hydrogen humme nahi milenge. Iski आगे से, और ये बहुत ही जरूरी है हमारी ग्रोथ के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए। साथ, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म आर दोज एक्टिविटीज व्हिच कैरी आउट आवर लाइफ सिस्टम। हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ऑल दीज आर नोन एज मेटाबॉलिज्म। यस, आई एम गिव सम एग्जांपल्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जी अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये क्या प्रोसीजर है? न्यूट्रिशन हो रही है बॉडी में, है ना? वी गेट एनर्जी थ्रू, यस, न्यूट्रिशन हो रही है, तो ये भी मेटाबॉलिज्म का ही पार्ट है। देन रेस्पिरेशन हो रही है ना, हार्ट बीट हो रही है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, हर एक में केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। तो ऑल दीज, जब भी मेटाबॉलिज्म है, बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में बोलना शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, इसकी टू कैटेगरीज है, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। अब फैट सॉल्युबल का मतलब हुआ ऐसे विटामिंस जो कि अगर आप ले भी लेते हो, खा भी लेते हो, तब तक उनका फायदा नहीं होगा जब तक कि इनके अंदर क्या साथ आपको ना मिले, फैट ना मिले। इसका मतलब है ऐसे विटामिंस को डिसॉल्व होने के लिए हमें फैट की जरूरत है, यानी कि लिपिड्स भी खाने पड़ेंगे साथ हम, ठीक है। पीछे आप लिपिड का टॉपिक पढ़ आए हो, तो लिपिड्स आपको अपनी फूड में लेने पड़ेंगे ताकि ये वाले विटामिंस जो है ना, ए डी ई एंड के, इनका इस्तेमाल हो सके। ये जब तक आपकी बॉडी में डिसॉल्व नहीं होंगे, जब तक कि आपके बॉडी में फैट मौजूद नहीं होगा आपकी डाइट के अंदर, तो आपको डेली बेसिस पर अपनी डाइट में लिपिड्स, ये जो पीछे हम पढ़ चुके हैं टॉपिक, फैट्स एंड ऑयल्स का थोड़ा पोर्शन लेना पड़ता है खाने में, ताकि ये वाले विटामिंस काम कर सके। अदरवाइज ये बॉडी में वैसे ही पड़े रहेंगे, यूज नहीं होंगे। और दूसरी कैटेगरी क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिंस। इसमें विटामिन बी, बी में बहुत सारी वैरायटी होती है, B1, B2, B6, इसकी एक पूरी ग्रुप ऑफ विटामिन बी होता है, ठीक है। और विटामिन सी, ये दोनों वाटर सॉल्युबल है। अब यहाँ पर आ सकता है कि व्हाट आर फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिंस, यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन इसका बन सकता है। अच्छा, अभी मैंने बात की फैट सॉल्युबल की तो और वाटर सॉल्युबल की, मुझे आप अपना गेस बताइए कौन सा जल्दी से यूज होने वाला विटामिन है हमारी बॉडी में? फैट सॉल्युबल। यस, वाटर सॉल्युबल, वेरी गुड। क्योंकि वो एकदम से पानी तो हमारी बॉडी में हम पीते भी हैं, और वैसे भी बहुत इसकी एक क्वांटिटी हमारी बॉडी में 70% मोर देन 70% वाटर मौजूद है, तो ये तो जो वाटर सॉल्युबल है वो इजिली डिजोल्व हो जाते हैं और कंज्यूम भी हो जाते हैं, यूरिन की फॉर्म में भी कंज्यूम हो रहे होते हैं। लेकिन वाटर फैट सॉल्युबल को कंज्यूम करने के लिए वी नीड lipids and fats, और ये हमारी बॉडी में ज्यादा देर तक रुकते भी हैं। We can retain fat soluble vitamins for longer time. ठीक हो गया? जी। साथ, you read vitamin A. Okay, ma'am. Vitamin A was the first soluble, was the first fat soluble vitamin identified in 1913. अभी देखो इसके MCQs बन सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप करें, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं दे दूँ, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। जी, विटामिन्स जो हैं
वो एक तो ये कि ये कब बना था 1931 में फर्स्टली ये आइडेंटिफाई हुआ था बॉडी में. सेकेंडली इसका जो मेजर रोल है वो हमारी विजन के साथ है, यानी कि आपके देखने की जो अल्लाह ताला ने पावर दी हुई है उसके साथ अटैच है. और नाइट ब्लाइंडनेस, रात के वक्त जैसे हम अंधेरे में भी देख सकते हैं ना, माशाल्लाह से हमारी आईज इतनी शार्प है कि हल्की सी डिम लाइट हो उसमें भी हम चीजों को देख लेते हैं. लेकिन जिनके अंदर विटामिन ए की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, वो अंधेरे में बहुत कम देखेंगे, उन्हें नजर नहीं आएगा. उसकी वजह क्या है कि ये एक कंबाइंस विद अ प्रोटीन, प्रोटीन का नाम है ऑप्सिन, टू फॉर्म रोडोप्सिन. रोडोप्सिन इज अ लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर. ये एक प्रोटीन है जो कि लाइट को, लाइट रिसेप्टर है, लाइट को कैच करती है. लेकिन अगर विटामिन ए नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी हमारे रॉड सेल्स में, और उसकी वजह से अंधेरे में हम बहुत कम देख पाएंगे, हमें चीजें नजर ही नहीं आएंगी. ठीक है, तो ये रोडोप्सिन इज अ लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर. जी मूव ऑन, आगे पढ़िए. आल्सो इन्वॉल्व इन सेल डिफरेंशिएशन. Differentiation, a process through which embryonic cells transform into mature cells with specific functions. Vitamin A also supports bone growth and immune functions. जी, अब विटामिन का यहाँ पर रोल दूसरा क्या है? सेल डिफरेंशिएशन. सेल डिफरेंशिएशन मीन्स जब लाइफ का स्टार्ट होता है, एक न्यू बॉर्न अगर ऑर्गेनिज्म जो है वो जायगोट से स्टार्ट होता है बनना, जायगोट डेवलप इंटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो फिर आगे से डिवाइड हो कि उसके सेल्स तो बड़ा एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो स्टार्ट तो बिल्कुल सिंगल सेल से हुआ था, अब सिंगल सेल डिवाइड होगा, टू में टू सेल डिवाइड होंगे, फोर में फोर से एट. अब सेल टू सेल डिवीजन तो हो रही है, लेकिन डिवीजन हो तो रही है, लेकिन आगे से बॉडी के सेल्स कितने मुख्तलिफ तरह के बन जाते हैं ना. कुछ सेल्स हमारे हार्ट सेल्स बन गए, कुछ बॉडी के सेल्स आपके स्टमक में कन्वर्ट हो गए, कुछ बॉडी सेल्स आपकी आईज में कन्वर्ट हो गए. तो ये जो डिफरेंशिएशन है, ये सेल्स फर्क फर्क के जो बन जाते हैं जैसे जैसे ग्रो कर रहे होते हैं, तो इस डिफरेंशिएशन को भी मेंटेन करने के लिए विटामिन इज वेरी इम्पॉर्टेंट. जी हु विल एक्सप्लेन दिस टर्म सेल डिफरेंशिएशन, कौन बताएगा? मैं बताऊं? जी बताइए. मैम जब एक एम्ब्रियो होता है, ठीक है, तो मैम जब सेल ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसकी एम्ब्रियो से मैच्योर सेल में, तो उसे सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं. बिल्कुल, हमारी बॉडी में जो जितने भी तरह के डिफरेंट सेल्स बनते हैं वो विटामिन ए, उसको सेल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, और उसमें विटामिन ए हेल्पफुल है. जी नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाइए, विटामिन सी. विटामिन सी, हु विल रीड दिस? आयान यू रीड विटामिन सी. एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं इसे, विटामिन सी को. और आपको पता है विटामिन सी, चूंकि ये चैप्टर फूड से रिलेटेड है, बहुत सी चीजें हम वैसे ही सुनते रहते हैं. विटामिन सी कहाँ से लेते हो आप मोस्टली? क्या चीजें खाते हो तो विटामिन सी मिलता है? सिट्रस फ्रूट्स, बी फ्लेवर. जी क्या आया? व्हाट यू से? बी फ्लेवर, बी फ्लेवर. आई कांट गेट यू, मुझे समझ नहीं आ रहा. सिट्रस फ्रूट्स बेसिकली ऑरेंजेस, लेमन्स, ग्रेप्स, इनमें मिलता है ये, जितने भी फल जिनमें जूस होता है ना. हाँ बी फ्लेवर, यस ओके, आप ये बोल रहे हो, बी फ्लेवर बोल रहे हो. लेकिन इसमें बहुत बहुत कम होता है बेटा, कम क्वांटिटी में होता है बीफ लिवर में विटामिन सी. और गुड सोर्स इसका क्या होगा? ऑरेंजेस, लेमन्स एंड ग्रेप्स. बीफ लिवर में होता है लेकिन कम. जी रीड करें जल्दी से, टाइम हमारा कम है. हरी आप. अदर नेम ऑफ विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड. फंक्शंस, विटामिन सी पार्टिसिपेट्स इन मेनी रिएक्शंस. इट इज नीडेड टू फॉर्म कोलेजन, a fibrous protein that gives collagen. strength connective collagen hai, it's not collagen, collagen fibrous collagen. protein hai, yes that gives strength to connective tissues. Collagen is also needed for wound healing. Vitamin C in white blood cells enables the immune system to function properly. Sources, humans gets vitamin C from citrus fruits, leafy green vegetables, beef flavor. Minute quantities of vitamin C are present in mussels. Since minute बोलते हैं बेटा, आपकी रीडिंग सुननी चाहिए मुझे. Minute quantities of vitamin C are present in mussels. Since meat consists of mussels, so it is not a good source of vitamin C. Deficiency. The deficiency of vitamin C
results in the following diseases. Connective tissue damage. Deficiency of vitamin C causes connective tissues changes throughout the body. Scurvy. The disease known as scurvy results from lack of vitamin C. In this condition, the synthesized collagen is unstable. Symptoms of scurvy include muscle and joint pain, swollen and bleeding gums, slow wound healing, dry skin. Yes, अब जो vitamin C का जो basic function है वो क्या है? Immunity को raise करना, ठीक है? तो vitamin C हमें बहुत ज़्यादा अपनी body में लेना चाहिए ताकि हमारी body powerful रहे. कोई germs अगर attack करते भी हैं तो immunity होगी तो उसका मुकाबला कर सकेंगे. अब जैसे आजकल के सीजन में कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस के बारे में कहते हैं ना इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं अपनी. तो क्या कर रहे हैं आप लोग स्टूडेंट्स, क्या खाते पीते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? कुछ खास डाइट ले रहे हैं? अच्छी डाइट? यस, हु विल टेल मी व्हाट इज अ गुड डाइट? यानी कि विटामिन सी उन्होंने कहा कि इट्स रिलेटेड टू द इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको जी जी लेमन वाटर पीना चाहिए. जी बिल्कुल, लेमन वाटर, लेमन में भी विटामिन सी है, बिल्कुल यहाँ पे सोर्सेज में नजर आ रहा है. गुड फूड खाना है आपने, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है. और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो देखें डिजीज कौन सी आ रही है, स्कर्वी. स्कर्वी इज अ डिजीज, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट इज द डिजीज कॉज्ड बाय विटामिन सी. तो ये सारा आ जाएगा, 3-4 लाइंस इसमें आ जाएंगे. इसके अलावा कोलेजन एक प्रोटीन है जो कि फाइबरस प्रोटीन है. फाइबरस मीन्स लॉन्ग थ्रेड्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा प्रोटीन जो कि आपकी बॉडी में फाइबर्स प्रोड्यूस करेगा और इसकी वजह से जो टिश्यूज हैं वो स्ट्रांग होंगे, कनेक्टिव टिश्यूज. अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो कनेक्टिव टिश्यूज भी नहीं बन रहे होते, स्ट्रांग नहीं बन रहे होते, आपके टिश्यूज टूटते हैं बड़ी तेजी के साथ. ठीक है जी, क्लियर हुआ है ये पॉइंट सबको? यस मैम. विटामिन डी इज द लास्ट, वी विल रीड दिस. ताहा रीड कर लें. आपका आयान नेट जरा स्लो है, आवाज बड़ा देर से आ रही है. Vitamin D. The best known function of vitamin D is to help regulate blood levels of phosphorus. Vitamin D increases the absorption of these minerals from their deposition in the bones. Vitamin D is mainly found in fish, liver, deposition. Deposition to kya matlab hai? Absorption of these minerals from? Kya bola aapne? Deposition. Deposition to kya meaning hai, students? Deposition means bones ke andar iska rukna, theherna, deposit ho jana jaake wahan pe jama ho jana. Theek hai? जी पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ. ऑयल, मिल्क एंड बटर एक्सेट्रा. इट इज मैम आगे नजर नहीं आ रहा है कहाँ पे हुआ. मिल्क एंड बटर बुक से पढ़ लें, बुक से रीड कर लें, बुक से रीड कर लें. यू हैव बुक विद यू, वहां से रीड कर लें. इट इज आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय स्किन व्हेन अल्ट्रावायलेट radiations from the sun are used to convert a compound into vitamin D. Long-term deficiency of vitamin D affects bones. In children, vitamin D deficiency leads to rickets, a condition in which bones weaken and bow under pressure. In adults, vitamin D deficiency causes osteomalacia. आपकी बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो आपकी बॉडी में रिकेट्स, बच्चों की, छोटे बच्चों की डिजीज है रिकेट्स. उसमें क्या होता है क्योंकि हड्डियां इतनी कमजोर होती है कि जैसे ही वो चलना शुरू करते हैं ना तो उन वेट बर्दाश्त नहीं करती और वो कैसी हो जाती है, वो थोड़ी सी कर्व हो जाते हैं उनके जो पिंड, मतलब आपकी लेग की जो बोन है ना वैसे स्ट्रेट है लेकिन वो वीक होने की वजह से कर्व में आ जाती हैं. उनकी जो लेग्स हैं वो हल्की सी कर्व होती हैं ड्यू टू द वेट ऑफ ये देयर बॉडी. और दूसरी डिजीज क्या है? ऑस्टियोमलेशिया. ऑस्टियोमलेशिया इज आल्सो अ बोन डिजीज जिसमें हड्डियां जो है बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, जरा सा भी अगर इनको इन पे प्रेशर आए तो वो फ्रैक्चर हो जाती है. ठीक है, और इसको आप कैसे, मतलब के विटामिन डी अपना ज्यादा से ज्यादा ले सकते हो, ये वाली डाइट है, सोर्सेज है. इसके अलावा कहा जाता है कि आपको सन में भी बैठना चाहिए, थोड़ी देर धूप लेनी चाहिए. धूप लेने से क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं वो हमारी स्किन के साथ मिक्स होती हैं जिससे विटामिन डी जो है वो एक्टिवेट होता है, प्रोड्यूस होता है. ठीक है, ओके मैम.
जी अब ये सारे आपने लर्न करने पॉइंट्स होमवर्क मैंने आपको बता दिया, छोटा सा होमवर्क है और एक क्विज आपको मैं फिर भी रिमाइंडर एक दे दूंगी ग्रुप में क्विज का, आई विल टेक योर क्विज ऑन फ्राइडे। सबको समझ आ गया ये, कोई क्विज का मुझे एक्सक्यूज नहीं कहेगा कि आई डोंट नो अबाउट क्विज। आयान, हनी, हनी कहाँ है, हनी जो अदर, आयशा जी मैम, जी सब सुन लें, क्विज होगा वर्बल एंड यू विल शो योर स्क्रीन्स टू मी एट दैट टाइम ऑल ऑफ यू। ओके जी बेटा, आई थिंक टाइम इज ओवर। मैम मुझे बस एक पूछना था कि होमवर्क आप बस रोल ऑफ आयरन से लेकर विटामिन बी से लेकर रिटर्न वर्क जो है, जो आज का होमवर्क मैंने दिया है वो जस्ट रोल ऑफ आयरन एंड कैल्शियम दिया है विद फुल प्रेजेंटेशन विद फुल हेडिंग्स एंड पॉइंट्स, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि जब आइडिया लेने के लिए कि इस चैप्टर में से जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने इसी फॉर्मेट पर उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्योंकि ये सारा वो है ना, इसमें कोई खास प्रोसीजर नहीं है, जस्ट लर्निंग बेस्ड है। मैम मैंने पूछना था कि वो क्विज किधर से लेना है, क्या कह रहे हो, सॉरी क्विज किधर से लेना है, क्विज आप फ्राइडे वाले दिन बेटा, फ्राइडे को, ऑन फ्राइडे। हाँ मैम मैंने पूछना था कि किधर से किधर तक आप क्विज लेंगे, स्टार्टिंग टॉपिक्स न्यूट्रिशन से लेके आज विटामिन डी विटामिन तक एंड हो गया ना आज जी। ओके 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 जी, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ मैम, अल्लाह हाफिज़।